बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। प्यारे बच्चों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, अगर तुम उन्हें मजबूती से थामे रखोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। एक कुरान मजीद, दूसरी मेरी सुन्नत। तो हमें चाहिए कि हम रोज़ाना कुरान मजीद का मुताला अपनी आदत बनाएँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी करें। आज हम चैप्टर 3 में पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ में पीरियड्स के बारे में बात करेंगे। पीरियड्स आर द हॉरिजॉन्टल रोज इन पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट पीरियड इज कॉल्ड शॉर्ट पीरियड। जो पहली लाइन है या रो है उसे शॉर्ट पीरियड कहा जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ ओनली टू एलिमेंट्स। इसमें दो अनासर हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। सेकेंड एंड थर्ड पीरियड्स आर कॉल्ड नॉर्मल पीरियड्स। सेकेंड और थर्ड पीरियड्स को नॉर्मल पीरियड्स कहा जाता है। ईच ऑफ देम हैज़ 8 एलिमेंट्स इन इट। हर एक के अंदर 8 एलिमेंट्स हैं। द सेकेंड पीरियड कंसिस्ट ऑफ लिथियम, ब्रिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड अ नोबल गैस। Each element on the periodic table is represented with an element box. हर element का एक box होता है जिससे दर्जे ज़ैल मालूमात हासिल होती है। Atomic number जो पूरा number होता है इसमें इशारिया नहीं होता। फिर oxidation number जो plus या minus के साथ होता है इससे पता चलता है कि एक element कितने electron share या हासिल कर सकता है। फिर element का symbol होता है जिसका पहला capital letter होता है। फिर कैपिटल एलिमेंट का नाम लिखा होता है और सबसे आखिर में एटॉमिक मास होता है। ये हमेशा एटॉमिक नंबर से बड़ा होता है और इसमें इशारिया होता है। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड्स आर कॉल्ड लॉन्ग पीरियड्स। ईच ऑफ देम कंसिस्ट ऑफ 18 एलिमेंट्स। फोर्थ और फिफ्थ को लॉन्ग पीरियड्स कहा जाता है। हर एक में 18 एलिमेंट्स होते हैं। सिक्स्थ एंड सेवन्थ पीरियड्स आर कॉल्ड वेरी लॉन्ग पीरियड्स। सिक्स और सेवन्थ को वेरी लॉन्ग पीरियड कहते हैं। इन दीज पीरियड्स आफ्टर एटॉमिक नंबर 57 एंड 89 टू सीरीज ऑफ 14 एलिमेंट्स ईच वर एकोमोडेटेड। इन पीरियड्स में एटॉमिक नंबर 57 और 89 के बाद 14 मजीद अनासर को जगह दी गई। बिकॉज ऑफ स्पेस प्रॉब्लम, जगह की तंगी की वजह से दीज टू सीरीज वर प्लेस सेपरेटली। इन दो सीरीज को अलहदा से रखा गया बिलो द नॉर्मल पीरियोडिक टेबल। नॉर्मल पीरियोडिक टेबल के नीचे दो लाइनें अलहदा से बनाई गई। द टू सीरीज स्टार्ट आफ्टर लेंथनम एंड एक्टिनम। दो सीरीज जो हैं वो लेंथनम और एक्टिनम से स्टार्ट होती हैं। सो दीज टू सीरीज ऑफ एलिमेंट्स आर नेम्ड एज लेंथनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स रिस्पेक्टिवली। तो इनको लेंथनाइड्स और एक्टिनाइड्स कहा जाता है। All the periods except the first period start with alkali metal and end at noble gas. जितने भी periods हैं सिवाय पहले period के वो alkali metal से start होते हैं और हर period जो है वो noble gas पे end होता है। Every period end at noble gas. Noble gas आप देख रहे हैं, हर period का इख्तिताम noble gas पे होता है। Noble gases जो हैं, this group is composed of stable gases otherwise known as non-reactive or inert elements. They have 8 electrons in the subshell. इनको गैर तामल या inert gases कहा जाता है। क्यों इनको गैर तामल कहा जाता है? कि इनका जो outer shell होता है वो full होता है, उसमें 2 या 8 electron होते हैं। valence shell full होता है, ना तो ये किसी को अपना electron देती हैं ना ही किसी से एक्सेप्ट करती हैं, इसलिए इन्हें इनर्ट कहा जाता है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड इज फिक्स्ड। जो हर पीरियड में जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो मुतय्यन है, जो तब्दील नहीं होते। ये जो हमने अभी तक पढ़ा है इस टेबल में उसकी समरी है, खुलासा है। उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें।